हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग सेंटर आई एम निशा गुप्ता फ्रॉम जीसीसी सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वी विल डिस्कस अबाउट द के मैपिंग आज की वीडियो में मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का एक टॉपिक है मिनिमाइजेशन टेक्निक्स बुलियन एल एंड के मैपिंग वो करवाने जा रही हूँ सो बिफोर स्टार्ट माई टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स नो लेट स्टार्ट माई टॉपिक और आज का मेरा जो टॉपिक है उसमें है के मैपिंग दो बेसिक मैथड्स है जिसको हम यूज करेंगे मिनिमाइज द एक्सप्रेशन करने के लिए जो एक्सप्रेशंस हमें गिवन होती हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास दो बेसिक मैथड्स होते हैं नंबर वन है बोलियन अल एंड नंबर टू है के मैपिंग देखो जो बुलियन एल्जैप्रा है उसके साथ हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं एक्सप्रेशन को बट बुलियन एल्जेप्रा में बहुत सारे रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स को वो रूल्स लर्न करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है कई स्टूडेंट सारे रूल को अच्छी तरह से नहीं प्रिपेयर कर सकते जिसके साथ वो एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से मिनिमाइज नहीं कर पाते सो so, इसके लिए हम करेंगे के मैपिंग मैपिंग जो है बहुत इजी वे है जिसको हम यूज करते हैं मिनिमाइजिंग द बुलियन इक्वेशन के लिए और ये जो मेथड है इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं फॉर बोथ एसओपी एसओपी मींस सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड पीओएस पीओएस मींस प्रोडक्ट ऑफ द सम फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ये जो के मैपिंग है के मैपिंग होती क्या है के मैपिंग एक सिस्टेमेटिक मैथड होता है सिंप्लीफाई करने के लिए बुलियन एक्सप्रेशन को क्लियर ये जो मैप मेथड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के लिए है इसका एम क्या है इट्स मेन एम इज टू एलिमिनेट एनी टर्म्स एंड ऑबटेन द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट ए बुलियन एक्सप्रेशन क्लियर तो आज की वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगी कि जो के मैपिंग है वो है क्या है के मैपिंग एक अरे है एडजेसेंट सेल की एडजेसेंट सेल्स का मतलब है स्क्य

अब टाइप, सबसे पहले मैं पहली टाइप करूंगी टू वेरिएबल के मैपिंग थ्री वेरिएबल के मैपिंग फोर वेरिएबल के मैपिंग एंड फाइव वेरिएबल के मैपिंग सबसे पहले देखो मैंने लेफ्ट साइड पे क्या लिया है नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू है तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर जो मेरे के मैपिंग में कितने आएंगे टू की पार्ट एंड अभी मैंने बोला है जनरल फॉर्म है तो क्या आएगी टू की पार्ट टू टू की पार्ट टू क्या होगी फोर क्लियर उसके बाद है थ्री। अगर नंबर ऑफ है तो टू के पार थ्री कितना बनेगा eight, इसका मतलब है कि मैपिंग में हम eight squares को लेके चलेंगे eight cells को लेके चलेंगे नेक्स्ट है नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर फोर है तो हमारे पास सिक्सटीन सेल्स आएंगे एंड अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स फाइव है तो हमारे पास थर्टी टू जो है स्केयर जस्ट जो सेल्स है वो आएंगे तो आज मैं आपके पास एक टू वेरिएबल के मैपिंग की टाइप लेके आई हूं उसमें देखो मैंने सबसे पहले आपको इसमें मिन टर्म्स बताना है एंड मैक्स टर्म बताऊंगी जो मिन टर्म्स का सबसे पहले ये जो टेबल है हमारे पास ये हमारे पास है मिन टर्म्स का टेबल मिन टर्म के टेबल में मैंने दो वेरिएबल लिए जैसे कि मैंने आपको बताया है दो वेरिएबल है ए और बी वेरिएबल है ए वेरिएबल में सबसे पहले हम लेके चलते हैं जीरो और जीरो बी भी वेरिएबल जीरो है जब मिन टर्म्स लेते हैं तो हमारा जो जीरो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है क्लियर तो हम मिन टर्म्स लिखेंगे ए बार बी बार उसके बाद है सेकेंड वेरिएबल है फर्स्ट वेरिएबल है जीरो एंड वन तो उसको लिखेंगे मिन टर्म्स में ए बार बी उसके बाद थर्ड है वन जीरो तो उसको लिखेंगे ए बी बार नेक्स्ट है वन वन तो उसको लिखेंगे ए बी क्लियर और मिन टर्म की जो डेजिनेशन है उसको हम कैसे लिखते हैं स्मॉल एम के साथ लिखते हैं स्मॉल एम नॉट एम वन एम टू एंड एम थ्री क्लियर है उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि टू वेरिएबल्स में हमारे पास जो है फोर वन टू थ्री एंड फोर जो सेल्स होते हैं इसको स्केर्स की फॉर्म में बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पे दो वेरिएबल्स है ए और बी सबसे पहले मैं यहाँ पे जीरो लेती हूँ अभी मैंने बोला है जीरो कॉम्प्लीमेंट है और इधर भी ए बार बी बार तो क्या आ गया ए बार बी बार अगेन ए बार बी ए बी बार एंड ए बी आ गया क्लियर तो उसी के अकॉर्डिंगली जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे जीरो जीरो तो जीरो क्या है जीरो 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 अब आपने देखना है जो जीरो जीरो है ये देखो मेरे पास दो वेरिएबल्स है तो कौन सा नंबर है जीरो का सेम जीरो वन है तो वो कौन सा नंबर है वन का उसके बाद है हमारे पास है वन और जीरो जो है वो किसका है टू का वन और वन जो है वो है थ्री का क्लियर है तो हम उसके अकॉर्डिंगली जीरो वन टू एंड थ्री लिख देंगे इनकी मिन टर्म्स भी क्या आएंगे एम स्मॉल के एम के साथ हम डिनोट करते हैं एम नॉट एम वन एम टू एंड एम थ्री जैसे मैंने आप लोगों को मिन टर्म्स कराई है वैसे ही मैं आज आपको इसकी मैक्स टर्म्स भी करवाती हूँ देखो मैक्स टर्म्स में हमारे पास क्या है मैक्स टर्म में वन को कॉम्प्लीमेंट लेते हैं बाकी सारा सेम है इसमें भी मेरे पास सबसे पहले डेसिमल नंबर है जीरो वन टू एंड थ्री दो वेरिएबल्स है जीरो 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 वन वन जीरो वन वन तो इसमें मैक्स टर्म में मीन टर्म में जैसे हमारा प्रोडक्ट होता था मैक्स टर्म में हमारे पास ए प्लस बी है ए प्लस बी बार आएगा वन का क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट बिकॉज वन इज अ कॉम्प्लीमेंट वन कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और जो इसके मैक्स टर्म के डेजिनेशन है वो हम कैपिटल एम के साथ डिनोट करते हैं एम नॉट एम वन एम टू एंड कैपिटल एम थ्री सेम उसी वे से यहां पे जीरो और वन तो जीरो प्लस जीरो क्या है मेरे पास ए प्लस बी जीरो वन ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट वन का क्या है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी एंड अगेन वन और वन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और इसको हम मैक्स टर्म के साथ एम कैपिटल एम नॉट एम वन एम टू एंड एम थ्री लिखते हैं तो ये जो आज की वीडियो में मैंने आपको टू वेरिएबल्स के मैपिंग करवा दी है अब नेक्स्ट वीडियो में मैं टू वेरिएबल के बाद थ्री वेरिएबल के मैपिंग लेके आऊंगी